आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। कैंट थाना क्षेत्र शहादतगंज बाईपास प्रसादी मोटर्स के पास अज्ञात साधु ने तीन लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल शिवांश प्रताप सिंह ने बताया कि कल उनके भाई के साथ कुछ लोगों का झगड़ा हुआ, उसके बाद कुछ लोग उन्हें धमकी दे रहे थे और लगातार मऊशीवाला बुला रहे थे, लेकिन वो वहां नहीं गए। और आज जब उनके पिताजी तीनों लोग शहादतगंज बाईपास की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ दूरी पर वंशादी मोटर्स के पास एक साधु ने हम लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से उनका गला काटना चाहता था, लेकिन उनके और अपने हाथ से चाकू को रोक लिया। वो साधु उनका गला काटना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से चाकू को रोक लिया, जिससे उनका हाथ कट गया और वो घायल हो गए। अपनी कमर में साधु असलहा भी लगाए हुए था। SPCD विजयपाल सिंह ने बताया कि घायलों के साथ में पढ़ने वाले लड़कों से पहले कहासुनी हुई और विवाद हुआ। उसके बाद आज कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज बाईपास पर एक साधु ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया। इसमें तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम को रवाना किया गया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आइडियल इंडिया टीवी के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। कैंट क्षेत्र में जो है ये दो लड़कों से विवाद हुआ। पहले ये लोग पढ़ते थे साथ, और जिसमें तीन लोगों को चोटें आई हैं चाकू धारदार हथियार की, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति ठीक है, अंडर ट्रीटमेंट है, और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें लगी हुई हैं, उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी होगी। कल रात में दारू पी के मेरे भाई को गाली दे रहे थे, दो तीन लोग हैं दोस्त थे उनके, गाली दे रहे थे और उसके बाद में धमकी देके बुला रहे थे कि आइए यहाँ मिल लीजिए, धमकी दे रहे थे तो नहीं गए। हम मऊसवाला बुला रहे थे और नहीं गए, और आज सुबह आके बाईपास पे वंशादी मोटर्स के 100 मीटर पहले वहाँ असलहा लेके चक्कू से मारे हैं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।